इस लॉकडाउन में एक ऐसी बात सामने निकल के आई जो हमें बचपन से ही गलत सिखाई गई, कुकिंग। ये वर्ड जब भी हम लोग सुनते हैं या हमारे दिमाग में आता है तो उसके साथ एक ही जेंडर साथ में एसोसिएट करते हैं और वो होता है फीमेल जेंडर। इसीलिए माँ के हाथ का खाना फेमस है, पापा के हाथ का नहीं। बचपन का याद है मुझे, जब हम लोग गर्मी की छुट्टियों में घर घर खेला करते थे तो जो लड़कियां होती थी वो घर का काम संभालती थी और किचन में खाना बनाने की एक्टिंग किया करती थी। जब हम थोड़े से और बड़े हुए तो हमने देखा कि हमारी जो सिस्टर थी वो घर में मम्मी के साथ किचन में हेल्प कर रही थी। और जब हम और बड़े हुए तो हमने रियलाइज किया कि हम लोगों में एक स्किल नहीं है, क्योंकि अब लड़कियां हमारी तरह बाहर घर से काम करने तो जा रही थी पर हम लोगों को कुकिंग नहीं आती थी। और ये गलती पूरी तरह हमारी नहीं है, क्योंकि जब साइकिलिंग सिखाई जा रही थी तो वहां पर जेंडर बायस नहीं था, पर जब कुकिंग सिखाने की बात आई तो वहां पर बहुत बड़ा जेंडर बायस था। और कुकिंग एक जेंडर बेस्ड स्किल नहीं है। इस बात का प्रूफ यही है कि ज्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जो शेफ्स होते हैं या फिर एक छोटी दुकान का हलवाई जनरली मेल्स होते हैं और वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और इस स्किल की इंपॉर्टेंस इस लॉकडाउन में समझ में आई, जब बहुत सारे बच्चे जो बाहर पढ़ने गए थे, हॉस्टल्स में रह रहे थे या फिर अनमैरिड लड़के जो बाहर काम करने के लिए गए हुए थे, उन सबके यहाँ पे अब मेड्स आनी बंद हो गई, मेसेस बंद हो गई, बाहर रेस्टोरेंट से खाना मिलना बंद हो गया, तो उन लोगों के कुकिंग स्किल्स ना होने की वजह से सिर्फ मैगी खाकर या फिर बिस्किट्स खाकर कई सारी रातें गुजारनी पड़ी। और यहाँ पर सिर्फ बच्चों को परेशानी नहीं हो रही, उनके माँ बाप को भी ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। और जब आप अपने लड़के को कुकिंग करना सिखाते हैं तो आप सिर्फ उसको एक लाइफ टाइम के लिए स्किल ही नहीं सिखा रहे पर उसको इंडिपेंडेंट बनना भी सिखा रहे, उसको खाने को अप्रिशिएट करना सिखा रहे हो, उसको पैसा बचाना सिखा रहे हो। जब 4 रुपए का अंडा पानी में उबलने के बाद 10 रुपए का मिलता है और 10 रुपए की मैगी पानी में उबलने के बाद 25 रुपए की मिलती है, तो सिर्फ एक स्किल सीखने की वजह से आपका लड़का इंडिपेंडेंट ही नहीं बहुत सारे पैसे भी बचा सकता है। ये स्किल सिर्फ अपनी बेटियों को मत सिखाएं, ओनली फॉर गर्ल्स का टैग हमको हटाना ही पड़ेगा। टीच योर सन्स हाउ टू कुक, क्योंकि अगली बार अगर लॉकडाउन हुआ या लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आई तो आप नहीं चाहोगे कि आपका बेटा सिर्फ बिस्किट्स और मैगी की।